प्रेकी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे उधर झारखंड की। रघुवर सरकार के प्रयास से देवघर अस्पताल का कायाकल्प हो रहा है। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ नई मशीनें लगाई जा रही हैं। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए अब मरीजों को निजी अस्पताल नहीं जाना पड़ता। रघुवर सरकार की पहल से जहां गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, वही गरीब मरीजों का इलाज नई तकनीक के जरिए भी हो रहा है। जहां पहले स्थानीय लोगों को मशीनरी नहीं होने की वजह से काफी परेशानी होती थी, मरीजों को प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब देवघर सदर अस्पताल में मौजूद सभी जाँच मशीन और एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीन लगने से तस्वीर बदल रही है। के पहले जो मशीनें थी, एक्सरे का हो या आपका जाकर के और भी जो मशीनें थी, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह का भी, अल्ट्रासाउंड जो था और ये सब, तो उसमें जो रिपोर्ट आता था उसमें पूरा तरह से क्लियर नहीं हो पाता था कि क्या प्रॉब्लम है, हड्डी कहाँ से टूटा है, क्या है। तो इसके लिए हम लोग और भी सब प्राइवेट क्लिनिक जाता था, लेकिन अब ऐसा सुनने में आया कि प्राइवेट का जो अथी है वो गुणवत्तापूर्ण जो अथी है रिपोर्ट वो नहीं आता था। अब जो है सो मशीनें जो बदल रही है, तो शायद उससे अब अच्छा रिपोर्ट आए तो उससे सारा पब्लिक को ज़्यादा फायदा होगा, सारा रिपोर्ट जेन्युइन आएगा और लोगों का इलाज प्रॉपर वे में हो पाएगा। जिसके वजह से गरीब लोग बाहर जाते थे अपना टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए प्राइवेट लैब से जो टेस्ट कराते थे, जिसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आता था, पर इसमें कॉस्टिंग कम आएगा उन लोगों का। ये एक देवघर सदर अस्पताल का सराहनीय पहल है। सदर अस्पताल में प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टरों के द्वारा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी सहित कई सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। कई सुविधाएं पहले से ही मौजूद थी, लेकिन पुरानी मशीनों से इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, लेकिन अब तस्वीर बदलने जा रही है। रजिस्ट्रेशन जो है वहीं पे हम लोग नया शिफ्ट कर रहे हैं, एक्सरे मशीन को, डिजिटल एक्सरे को। उसमें क्या है, हम 24 आवर सर्विस देंगे और उसी के बगल में अल्ट्रासाउंड का हेल्थ मैप के साथ जो MOU कर चालू करने की प्रक्रिया हो गई है, रूम का आवंटन कर दिया गया है। देवघर सदर अस्पताल की तस्वीर अब बदली नजर आ रही है। राज्य सरकार की पहल से आज प्रशासन भी बेहद तेजी से काम कर रहा है, जिससे देवघर की स्वास्थ्य व्यवस्था आज नए आयाम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट।